नगर निगम शिमला ने वर्ष की पहली विक कमेटी की बैठक में शहरवासियों को करोड़ों रुपए की सौगातें दी हैं। शिमला में नगर निगम की महापौर सत्या कौंडल की अध्यक्षता में हुई बैठक में सड़कों के निर्माण व रेलिंग लगाने के लिए मंजूरी दी गई। इसके अलावा वार्ड स्तर की सड़कों को चौड़ा करने के लिए आए प्रस्तावों को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। नगर निगम की महापौर सत्या कौंडल ने कहा कि शिमला शहर को स्मार्ट बनाने के लिए निगम लगातार प्रयासरत है। आयुष पैटर्न में बहुत सारे फैसले लिए गए हैं, खासकर ये कि जो हमारा न्यू मर्ज्ड एरिया है जिसमें स्मार्ट सिटी के तहत हम एम्बुलेंस रोड नहीं बना पा रहे हैं, तो इसके लिए जो जैसे सिपाशन ने अपने एस्टिमेट भेजे हैं उनको हमने जो है म्यूनसिपल हेड से पास किया है। इसमें बहुत सारे ऐसे एस्टिमेट है जो हमने जो है कई 17 लाख की लागत से जो देवनगर में एक एम्बुलेंस रोड बनी है 17 लाख की लागत से, ये भी हमने म्यूनसिपल हेड से पास किया है। इसी तरह से सेक्रेट के पास धोबीघाट के पास जो है एक एम्बुलेंस बनना है 22 लाख की लागत से, ये भी हमने म्यूनसिपल हेड से पास किया है। इसी तरह से और भी बहुत सारे ऐसे एस्टिमेट ये है जहाँ पे हम स्मार्ट सिटी के तहत काम नहीं कर सकते, उसको हम सारे एस्टिमेट जो है म्यूनसिपल हेड से कर रहे हैं। मेरे को और पार्षद उनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि जहाँ जहाँ एम्बुलेंस रोड बनने हैं अगर वो स्मार्ट सिटी में नहीं बन पा रहे हैं तो हम उसको म्यूनसिपल हेड से बनाएंगे। आज भी 7-8 ऐसे एस्टिमेट आए हैं जो कि न्यू मर्ज्ड एरिया के हैं और इनको हमने जो है पास किया है। अब जो है इस पर जो है अंतिम जो मोहर है वो साधारण बैठक में लगेगी और मैं समझूँ कि साधारण बैठक में भी ये सारे एस्टिमेट पास हो जाएंगे। हम शिमला शहर को बहुत डेवलप करना चाहते हैं और जहाँ जहाँ स्मार्ट सिटी के अंतर्गत कोई मतलब नहीं एस्टिमेट पास हो सकते तो उसको हम जो है म्यूनसिपल हेड से करेंगे और आगे के लिए भी हम ऐसा ही करेंगे ताकि शिमला शहर में सब जगह एम्बुलेंस रोड पहुँचे, सब जगह पार्क बने, पार्किंग बने, हमारा ये रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।